स्वागत है दोस्तों आपका जेई की तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है साहिल और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन मनी फी, या मैं कहूँ तो क्वेश्चन मनी, जो कि कोटा कोचिंग्स में और दूसरी कोचिंग संस्थान में एट द टाइम ऑफ एडमिशन के दौरान ली जाती है, जो कि हमारी टोटल फीस है उसमें इसको इंक्लूड करके ली जाती है। 2000 से लेके 2500 रुपये तक ली जाती है और हम इसे एक साल के सेक्शन ख़त्म होने के बाद किस तरह वापस ले सकते हैं कोचिंग संस्थान से, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा प्रोसीजर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन मनी क्या होती है, क्वेश्चन मनी का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है क्वेश्चन मनी का, जो कि कोचिंग संस्थान के द्वारा एट द टाइम ऑफ एडमिशन या हॉस्टल और पीजी में ली जाती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। दरअसल कोचिंग कोटा की कोई भी कोचिंग संस्थान या फिर और भी किसी शहर में कोचिंग संस्थान है या हॉस्टल्स और पीजी में जो क्वेश्चन मनी ली जाती है, इसका बहुत बड़ा कारण होता है लेने का। यदि आप कोचिंग संस्थान की किसी प्रॉपर्टी का लॉस करते हो तो उसके बदले आपको क्वेश्चन मनी उनको चुकाना पड़ता है, वो इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन मनी ले लेती हैं, क्योंकि आप पहले ही क्वेश्चन मनी एट द टाइम ऑफ एडमिशन वहाँ जमा करा चुके हो, चाहे आप हॉस्टल में हो या पीजी में हो या फिर आप कोचिंग संस्थान में हो। प्रॉपर्टी लॉस से मेरा मतलब ये होता है कि अगर आप कोचिंग संस्थान में किसी बेंच जो होती हैं वहाँ की, जो बैठने का वहाँ का होता है, क्लासरूम के जो बोर्ड्स रहते हैं, तो अगर आप उन बेंचेस को या मैं उन टेबल्स को नुकसान पहुँचाते हो, अगर आप कोचिंग संस्थान पढ़ाई के दौरान किसी से लड़ाई हो जाती है और वहाँ पर लड़ाई के दौरान आप गलती से ना जान पूछ कर प्रॉपर्टी लॉस यानी कि उनकी बेंचेस या टेबल को कुछ नुकसान हो जाता है, या फिर आप कोचिंग संस्थान की जो क्लासरूम उनकी दीवारों पर कुछ लिखे पा जाते हो, जो कि आजकल में आम बात होती है बच्चों द्वारा, बच्चों बहुत सारे कोचिंग संस्थान की दीवारों पर या बेंचेस पर जो उनके पेंस होते हैं मार्कर से लिख देते हैं, जिससे कि कोचिंग संस्थान को नुकसान होता है, क्लासरूम जिनसे कि गंदी होती है, ऐसा कुछ काम कर देते हो जो कोचिंग संस्थान की प्रॉपर्टी को लॉस करता हो, या फिर जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोचिंग संस्थान की जो प्रॉपर्टी है उसको ख़राब करते हो आप, तो उसका वजह से आपको क्वेश्चन मनी देनी पड़ती है, जो कि आपसे एट द टाइम ऑफ एडमिशन पहले ही ले ली जाती है। अगर आप ऐसा करते पाए जाते हो, 99% चांसेस में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे प्रॉपर्टी लॉस करते पाए जाते हो तो कोचिंग संस्थान आपसे ये फीस एज अ क्वेश्चन मनी ले लेती है उनका जो नुकसान किया है उसकी भरपाई के लिए। कोटा में जो कोचिंग संस्थानें हैं IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन के लिए और देश में दूसरी भी जो कोचिंग संस्थानें हैं वो क्वेश्चन मनी लेती हैं, कोई 2000 रुपये लेती है, कोई 2500 रुपये लेती है, कोई 3000 रुपये लेती है, ये डिपेंड करता है कि किस कोचिंग संस्थान में आप पढ़ते हो। क्वेश्चन मनी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कोचिंग संस्थान लेती हैं और बहुत कम बच्चे या पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं कि ये क्वेश्चन मनी रिफंडेबल होती है, यानी कि जब आपका एकेडमिक सेक्शन ख़त्म हो जाता है तो आपको कोचिंग संस्थान इसको वापस देती है। इनडायरेक्टली कोचिंग संस्थान आपको ये रुपये जो आपने 2000 3000 रुपये ऐसा क्वेश्चन मनी दिए हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये कोचिंग संस्थान आपको वापस देती है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है या पेरेंट्स को ये पता नहीं होता है कि इसका प्रोसीजर क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है इस क्वेश्चन मनी को लेने का वापस, जो कि क्वेश्चन मनी जो कि आपका जो आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन कोचिंग संस्थान को दी थी। क्वेश्चन मनी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि 90% से ज़्यादा पेरेंट्स को या बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि क्वेश्चन मनी क्या होती है और इसको वापस भी लिया जाता है। 90% लोग कोचिंग संस्थान से क्वेश्चन मनी को वापस नहीं लेते हैं, जिससे कि कोचिंग संस्थान 2000 से 25000 रुपये हज़ार छात्रों से लाखों छात्रों से लेकर करोड़ों का बिजनेस कर लेती है। तो इसका जो कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है कोचिंग संस्थान से क्वेश्चन मनी वापस लेने का, उसके बारे में हम बात करते हैं। हर कोचिंग संस्थान का क्वेश्चन मनी वापस देने का एक अपना नियम होता है या रूल होता है। क्योंकि मैं कोटा में रहा था तो मुझे कोटा कोचिंग्स के बारे में पता है कि वो किस तरह किस प्रोसेस से क्वेश्चन मनी को वापस देती हैं।
जब आपका एकेडमिक सेक्शन या मैं कहूँ वो बेच जिसमें आप पढ़े थे, जिसमें आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप जिस बेच में आपको अलर्ट हुआ था या एकेडमिक सेशन जो आपका था वो जब आपका ख़त्म हो जाता है, उसके एक से दो महीने के बाद कोचिंग संस्थान आपको पर्सनली मैसेज करती हैं जो नंबर, जो फ़ोन नंबर आपके कोचिंग संस्थान से एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने जोड़ा था उस पर, या कोचिंग संस्थान एक से दो महीने के बाद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिंक देती है कि क्वेश्चन मनी और उसके बाद जो भी जिस ईयर या बैच में थे वो वहाँ पर लिखा होता है। आपको वहाँ पर उस लिंक पे जाना होता है, आप मैसेज के द्वारा जाओ या फिर उस ऑफिशियली वेबसाइट पे जो लिंक है उसके द्वारा आप जाओ। लिंक को जाने के बाद आपको कोचिंग संस्थान का जो रोल नंबर या लॉगिन जो डिटेल्स होती हैं वो आपको फिलअप करनी पड़ती हैं। उसके बाद आपको पर्सनल जो आपकी जनरल डिटेल्स होती हैं वो वहाँ पर देनी पड़ती हैं, फॉर्म आएगा। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर देना होता है उस पर्सन का जिसके खाते में आप वो क्वेश्चन मनी लेना चाहते हो। उसके बाद आपको एक से दो और डिटेल्स भरनी पड़ती हैं, जैसे कि आपका नेम, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, और आपका जो कौन सी बैच में थे आप, या फिर मैं कहूँ वो ऐसी जनरल डिटेल्स जो बैंक अकाउंट से डिटेल्स होती हैं, आईएफएससी कोड हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, ऐसी डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ती हैं। उसके एक से दो महीने के बाद कोचिंग संस्थान आपको फ़ोन करेंगे। जी हाँ, जब आप उस प्रोसेस यानी फॉर्म की फिलअप प्रोसेस उसको कंप्लीट कर लोगे तो कोचिंग संस्थान आपको फ़ोन करेंगी वेरीफाई कराने के लिए कि आप वही बन इंसान हो या पर्सन या स्टूडेंट हो जिसने कोचिंग संस्थान में उस साल में पढ़ाई की थी। तो वो आपको वेरीफाई करेंगे, वो जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, जैसे कि आप कौन से साल में थे, आपके फादर नेम क्या है, आपका मदर नेम क्या है, आपका जो जिस एकेडमिक सेशन में पढ़े थे आपको उस अलॉटेड रोल नंबर क्या था आपका, और आपके क्लास 12th के 10th क्या, जिसकी भी आप जनरल इंफॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड पूछ ली जाती है। उसके बाद आपको वेरीफाई करेंगे, उसके एक से दो महीने के बाद वो जो रिफंड है क्वेश्चन मनी का वो आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, चाहे 2000 हो, 3000 हो, जितना भी क्वेश्चन मनी का रिफंड उस पर्टिकुलर कोचिंग संस्थान ने कोटा की कोचिंग सो आई टी जी नीट की तैयारी कराती हैं, जो प्रिपेयर कराती हैं, और भी देश की कोई कोचिंग संस्थान हो वो उसमें आपको रिफंड कर देगी एक से दो महीने के अंदर उस पर्टिकुलर अकाउंट में जिस जो कि आपने फॉर्म में फिलअप किया है। आफ्टर द वेरीफिकेशन, जब आपका वेरीफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको वो उस अकाउंट नंबर में आपका जो रिफंड है जो 2 से 3 हज़ार या 4 हज़ार रुपये क्वेश्चन मनी का जो रिफंड है वो आपको उसमें वो सेंड कर देते हैं। इस तरह आप क्वेश्चन मनी को वापस ले सकते हो। बहुत सारे कोचिंग संस्थान वापस नहीं देते हैं क्वेश्चन मनी, आप उन्हें ईमेल के द्वारा भी कह सकते हो कि हमारे क्वेश्चन मनी को वापस करो। इस तरह आप अपनी कोचिंग संस्थान से आपका जो क्वेश्चन मनी का रिफंड है वो आप वापस ले सकते हो। ये शॉर्ट और सिंपल तरीका है कोचिंग संस्थान से वापस लेने का। लगभग बहुत सारी कोचिंग्स 90% कोचिंग्स क्वेश्चन मनी वापस देने का एक प्रोसेस बनाती हैं, या मतलब एक प्रोसेस वो जनरेट करते हैं जिससे आप क्वेश्चन मनी ले सकते हो। चाहे आप कोटा कोचिंग्स में आईआईटी जेई नीट की तैयारी के स्टूडेंट रहे हो, वहाँ से आप क्वेश्चन मनी ले रहे हो, या फिर आप दूसरे भी कोचिंग संस्थान हैं जिनमें आप पढ़ रहे हो ऑफलाइन, सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग संस्थान में ये फीचर या मैं कहूँ या ये फिर या सिस्टम होता है, ये सिस्टम सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग संस्थान में ही होता है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप क्वेश्चन मनी का मीनिंग समझ गए होंगे और किस तरह आप कोचिंग संस्थान से क्वेश्चन मनी को वापस ले सकते हो, रिफंड करवा सकते हो वापस क्वेश्चन मनी को आफ्टर या कंप्लीटिंग ऑफ योर एकेडमिक सेशन। सो अगली वीडियो में हमें बात करेंगे कि क्वेश्चन मनी का किस तरह कोचिंग संस्थान यूज़ करती हैं जिससे कि आपके वो 2000 रुपये से करोड़ों रुपये बना लेती हैं एक साल के अंदर या उस पर्टिकुलर एकेडमिक सेशन के अंदर। अगर आप भी आईआईटी जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे इस चैनल पर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ टिप्स, कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस, या आप कोटा कोचिंग्स के बारे में जानना चाहते हो, कोटा जानकारी चाहते हो, तो उन वीडियोस भी इनके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।